नगर निगम के द्वारा पांडेडीह बिरगी में संचालित टोल प्लाजा में अवैध टोल टैक्स लेने के विरोध में पांडेडीह पंचायत के ट्रैक्टर चालकों ने सिरसिया महेश मुंडा मुख्य मार्ग को बुधवार को जाम कर दिया। यहां मनमाने तरीके से एक ही गाड़ी से बार बार आने पर टोल टैक्स लेने का विरोध जताया गया। इस बाबत संबंधित लोगों का कहना है कि कोई किसी भी प्रकार का माल लेकर दिन भर में 3-4 बार जाता है और हर बार यहां टोल टैक्स देने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे पहले एक बार वार्ता हुई थी कि दिन भर के लिए पास निर्गत कर गाड़ी को आने जाने दिया जाएगा, लेकिन वह भी पैसा जमा करने के बाद संचालक के द्वारा पैसा वापसी कर दिया गया। बताया गया कि जितने भी ट्रैक्टर हैं वह सभी यहां के लोकल लोगों का है, जो छोटे मोटे व्यवसाय कर अपना गुजारा चला रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि लोकल गाड़ियों से दिन भर में एक बार टैक्स वसूली की जाए। कि जो हम लोग सब ट्रैक्टर ओनर है, दिन भर में एक बार ट्रैक्टर पार होता है, मतलब 4 बार पार होता है, तो उसको 4 बार 50 रुपया करके चलान चाहिए। हम लोग का कहना यही है कि हम लोग एक बार दे सकेंगे। अगर हम लोग जितना भी ट्रैक्टर ओनर है, कम से कम हर ट्रैक्टर में 5-5 आदमी को रोजगार दे के रखें। ये लॉकडाउन का मैंने महंगाई का माहौल में एक तो रोजगार भी दिए हैं, उसके बाद भी महंगाई इतना हो गया, डीजल 100 रुपये लीटर है, कहाँ से मैनेज करेंगे। गोबर लेकर आते हैं उसमें भी चलान देना पड़ता है, तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोग बोले कि इतना हम लोग नहीं दे सकेंगे। नगर निगम के तरफ से 2000 रुपये मंथली का बात हुआ था, हम लोग बोल रहे थे कि 1500 रुपये देंगे। उसमें भी जब हम लोग 2000 रुपये देने तैयार हुए तो उसका कहना है कि पैसा रिटर्न कर दिया गया, बोला नहीं इतना में नहीं होगा। जब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग रोड जाम किए। रोड जाम होने के बाद प्रशासन के द्वारा और दिनेश यादव के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया कि तुम लोग आके बैठ के बात करो, तुम लोग का निदान हो जाएगा। तो प्रशासन अभी हम लोग को बोले कि रोड जाम हटा दो, तो हम लोग हटा दिए हैं। अतः नगर निगम से हम लोग यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग को जितना भी प्रॉब्लम है उस सबको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाए, अन्यथा दूसरी बार हम लोग फिर से रोड जाम करेंगे अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो। हम लोग का समस्या यही था क्या, पट के हम लोग का रोड पैसा मांगता है, पट के हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। कौन मांगता है? यहाँ टोल प्लाजा पे बोलता है कि आपको पट ट्रिप कटा के ही जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाने देंगे। इसी कारण हम लोग जाम लगा है। उसके बाद हम लोग बोला नहीं, एंट्री फीस है 2000 रुपया। हम लोग बोले लोकल गाड़ी हम लोग 2000 नहीं दे सकेंगे, 1500 देंगे। नहीं माना तो 2000 रुपया पैसा भी दे दिया। उसके बाद भी बोला कि नहीं आपका एंट्री नहीं लेंगे, अपना पैसा रिफंड करवा दिया ड्राइवर के पास है। तो ठीक है, हम लोग दूसरा गाड़ी में हम लोग जाम लगा दिए। अभी प्रशासन लोग आए सर, बात हुआ बड़ा कि इतना दिया कि आप लोग आइए यहाँ ऑफिस, उसके बाद बात होगा। जबकि हम लोग को टोल टैक्स एक बार ही लगना चाहिए 24 घंटा। टोल टैक्स गलत जगह पर बैठा भी है। अच्छा हम लोग जा रहे हैं, लिखित करवा रहे हैं। इधर जाम की सूचना पाकर मुफस्सिल थाना के SI प्रमोद कुमार अपने दल बल के साथ पहुंचे और वार्ता कर जाम को हटाया। बिरगी पुल पे कुछ मैंने अवैध वसूली का मैंने बात सामने आया था, जिसके दिन हम लोग आए थे कि रोड जाम हो गया है। तो पता चला कि मैंने एक ही बार एक ही गाड़ी को दो दो बार तीन बार काटा जा रहा है। हम पब्लिक से और मैंने गाड़ी ओनर से बोले कि भाई जो भी है आप लिखित शिकायत थाने में दीजिए, हमारे थाना प्रभारी महोदय से बात कीजिए, हमारे बजे पदाधिकारी से बात कीजिए, इसे रोड का अवरोध मत कीजिए। मौके पर पवन वर्मा, अरविंद सिंह, मंटू तांती, नरेश वर्मा, सुभाष वर्मा सहित पांडेडीह व आसपास के पंचायत के ट्रैक्टर चालक मौजूद थे।